चलो दोस्तों डे लाइट पर चेक करते हैं कि भी हमारे मास्टर केज की रूफ जो है वो कैसी बनी है। तो ये आप देख सकते हैं भाई, और माशाल्लाह जब काफ़ी अच्छी जो है वो बारिश का प्रोटेक्शन हो गई है। चलो भैया आ रही है हमारी लोमन ब्लैक्स वापस मास्टर केज में। काशिफ कह रहा है अकेला भी मैं चढ़ा दूंगा, चले देखते हैं भाई काशिफ की कारीगरी देखते हैं। अच्छा भाई दोस्तों, चूज़ों की एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों को ये बताऊं कि इसमें मैंने कल चावलों का छिलका ऐड किया था, उसके बाद फिर मैंने एक चीज़ सोची है कि एक प्रोटेक्शन के तौर पे एक चीज़ ये कर सकते हैं हम कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के तौर पे छत का काम तकरीबन 90% हो गया। और ये देख सकते हैं भाई आप, ये छत चलते ये देखें भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह ब्रामा का है ये। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्तों आज सुबह ही सुबह जो है वो मुर्गियों को शिफ्ट करने का प्लान हुआ है, और सिलसिले में भाई सफाई का काम शुरू हो गया दोबारा से, क्योंकि कल जो बारिश हुई थी उसके बाद भी कुछ पानी आ गया था यहाँ पे, तो सवाल से हम सफाई कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने जो है वो सफाई करवाई है, रियाज पोछा लगा दिया यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे भी पोछा लगवाया है, ऊपर पानी के बर्तन वगैरह भी इसके साफ करवा दिए। अब क्योंकि लोमन ब्लैक्स के लिए जगह वो कम पड़ रही है, तो पहले मैं सोच रहा हूँ उनको यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ। वेदर जो है माशाल्लाह से काफ़ी क्लियर हो गया, आप ये देख सकते हैं आसमान पे जो थोड़ी थोड़ी जगह पे बादल है, बाकी ये के सामने आसमान काफ़ी क्लियर है। तो ये देखें भाई धूप भी आ चुकी है, तो अभी बस प्लान ये है कि लोमन ब्लैक्स को पहले शिफ्ट करना है, और ये जो है लोमन ब्राउन के पिंजरे की कंडीशन है, सब ड्राई है माशाल्लाह से, सब ओके है बिल्कुल। तो अभी पहले मैं मुर्गियों की अपडेट भी ले लूँ, मुर्गियाँ क्या कर रही हैं। सबसे पहले चेक करते हैं लोमन ब्लैक्स को, और लोमन ब्लैक्स क्या कह रही है भाई। बस थोड़ी सी देर और जो है आप वेट कर लो, फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम लोग को शिफ्ट करेंगे हम मास्टर केज में। और वैसे अपीयरेंस वाइज माशाल्लाह तीनों हेल्दी एंड एक्टिव है, फीड इनकी थोड़ी अभी यहाँ पर मौजूद है। ये आवाज़ें आ रही हैं, आ रही यार मुर्गी की आवाज़ें आ रही हैं। हाँ भाई क्यों शोर मचा रहे हो, इनको असल में मैंने सुबह खोल दिया था, क्या हुआ शोर क्यों मचा रहे हो। अभी क्या पोजीशन है आप लोगों की, सब सेट है। तो भाई यहाँ से भी ज़रा एक वेदर पे नज़र मारे, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या खूबसूरत मंज़र है भाई। सूरज जो है वो बादलों से थोड़ा थोड़ा सा नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो है वो क्लाउड्स ज़्यादा नहीं है, क्लाउड्स थोड़े से उस तरफ ही हैं। तो अंडा भाई सुबह चेक करते हैं मुर्गियों ने दिया कि नहीं। अच्छा इसकी मैंने प्रोटेक्शन की हुई थी, इसको फ़िलहाल तो अभी हटा लेते हैं, क्या करें नहीं, यहाँ से अंडे चेक कर लेते हैं, यहाँ से अंडे चेक कर लेते हैं। और अंडे तो आए हुए हैं, एक ही अंडा आया है सिर्फ, एक ही अंडा दिया आप लोगों ने, नहीं दो दिए, एक अंडा वो है, तो दो अंडे आए हुए हैं भाई। अभी उठा लूँ मैं, क्योंकि आजकल अंडे टूट बहुत रहे हैं, वहाँ तो हाथ भी जाना मुश्किल हो रहा है, ये असल में लकड़ी लगी है वहाँ पे हाथ नहीं जा रहा, तो मैं वहीं से ही उठा लूँगा उसको अंडे को। तो एक बात तो ये है कि ये जो बारिश का स्पेल हुआ है, और जिनकी जो शिफ्टिंग हुई है उससे इनकी एगलिंग मुतासर हुई है, क्योंकि कल भी अंडे कम आए थे। कल कितने आए थे लोमन ब्राउन्स के, आई थिंक चार अंडे आए थे लोमन ब्राउन्स के, चार तो खैर ठीक है छः मुर्गियों में से, और आज अभी तक जो है सिर्फ दो अंडे आए। तो अभी लोमन ब्राउन्स को फिलहाल अभी मैं यहीं रखूंगा, और पिंजरे को पहले वहाँ पे लोमन ब्लैक को सेट करेंगे, फिर इंशाल्लाह कुछ सेटिंग बनती है तो लोमन ब्राउन्स को भी इंशाल्लाह यहाँ से वहाँ शिफ्ट करेंगे। अच्छा भाई अब चूज़ों की अपडेट लें, हमारे चूज़े क्या कर रहे हैं भाई। छोटा वाला एक तो ये रहा भाई, ये रहा एक छोटा वाला, और बाकी का है भाई एक ब्लैक वाला ये नीचे, और एक ये है छोटा वाला। अच्छा ये रहा डिफरेंट कलर निकल रहा है, ये लोमन ब्लैक का है ना, और ब्लैक एंड वाइट निकल रहा है माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत कलर है भाई ये। और एक छोटा जो है वो ये रहा, तो सारे चूज़े जो भाई माशाल्लाह माशाल्लाह हेल्दी एंड एक्टिव है। ये चेक करें, ये ब्लैक वाला छोटा ये रहा, कहाँ चलेगा तुम कहाँ चलेगा, ये रहा भाई ये रहा माशाल्लाह। तो भाई माशाल्लाह सारे चूज़े जो है वो हेल्दी एंड एक्टिव है। बाकी अभी मैंने डिसाइड ही किया है, ये जो लोमन ब्लैक्स का मास्टर केज है इसमें जो है वो मैं भी चावल का छिलका ऐड करवाऊंगा। वेदर की अभी कंडीशन ये है कि अभी शिफ्ट तो कर सकते हैं इनको। दूसरा फिर मैंने अभी ये चीज़ सोची है कि अब जब मैं इसकी रूफ़ लगा रहा हूँ ना, तो रूफ़ जो एक वहाँ से भी बढ़ा के लगा रहा हूँ, और यहाँ से भी इंशाल्लाह बढ़ा के लगाऊंगा, तो उसके बाद फिर मैंने एक चीज़ सोची है कि एक प्रोटेक्शन के तौर पर एक चीज़ ये कर सकते हैं हम कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के तौर पर कि एक पूरा मैं एक प्लास्टिक का एक वो शीट जो है बनवाता हूँ पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक एल शेप में ना ऐसे, और उसको इस तरह रखूँगा कि जैसे बारिश हुई ना तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको लगा दिया, और अगर शेड होने के बावजूद भी अगर वो ख़तरा होता है पानी आने का तो फिर हम उसको वहाँ से कवर कर सकते हैं, क्योंकि पानी जब बारिश होती है ना तो यहाँ से नीचे आने का तो कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि यहाँ से ऐसी ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर सपोर्ट मिली हुई है, यानी कि रुकावट है यहाँ पर, इवन के यहाँ से आने का भी मुझे कोई ख़तरा नहीं लगता। ये आने का ख़तरा पानी का ना यहीं से ही होता है, अगर हवा से भी पानी आएगा ना, अगर बारिश की क्रॉस डायरेक्शन भी होगी हवा से भी आएगा तो वो यहीं से आने का ख़तरा है, तो अगर यहाँ पे हम प्लास्टिक लगा देंगे ना तो इंशाल्लाह फुल प्रोटेक्शन हमारी हो जाएगी, और वही सिस्टम जो है हमारा सर्दियों में भी इंशाल्लाह काम आएगा, जब सर्दियाँ होंगी तो हम इसको इस तरीके से कम्प्लीट जो है वो पैक कर सकते हैं।
इसके अलावा पानी के हवाले से आज मैं सोच रहा हूँ कि सबको मैं लहसुन का पानी बना दूँ, क्योंकि ऑलरेडी 3 दफ़ा तो मैं पिला चुका हूँ, बट क्योंकि वेदर ऐसा है और लहसुन के पानी की खसूसियत है कि भाई इम्यूनिटी बूस्टर होता है ये, तो ये मैं सोचा हूँ आज इनको ऐड करूँ सबको। अच्छा दोस्तों, अभी मैं चावल का छिलका जो यहाँ पे ऐड करवा रहा हूँ, और अभी बिल्कुल थोड़ी सी लेयर ही ऐड करवाऊँगा ताकि ये सफाई रहे इधर। और इसके अलावा मैंने ऊपर ये एक हुक भी लगा दी है इसको पानी को हैंग करने के लिए। अभी पहले मैं थोड़ी देर के लिए सादा पानी ऐड कर रहा हूँ, फिर जब लहसुन का पानी सबका बनाऊंगा तो मैं यहाँ पे इनको लहसुन का पानी भी ऐड करेंगे। अच्छा भाई दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चावल का छिलका ऐड कर दिया है, अभी इतना काफ़ी है। और यहाँ पे मैं पानी भी हैंग कर देता हूँ। चेन से ये फ़ायदा है कि इसकी हाइट एडजस्टमेंट अच्छी हो जाती है। ये हाइट सही है मुर्गियों के लिए। अच्छा भाई, अब नॉन ब्लैक्स को मास्टर केज में हम शिफ्ट करने के लिए जा रहे हैं। चलो भैया, आ रही है हमारी लोमन ब्लैक्स वापस मास्टर केज में। चलो भैया, आ गई दोनों अपनी पुरानी जगह पे माशाल्लाह। अब ब्रामा रूस्टर को भी लेके आ रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह पानी पी रही हैं। तो ये आ रहा है भाई हमारा ब्रामा रूस्टर माशाल्लाह। चलो भाई, आप भी जाओ अपने घर में वापस। चले अभी माशाल्लाह माशाल्लाह दोबारा मास्टर केज में आ गई है। अच्छा, इनको मास्टर केज में अभी मैंने इस वजह से शिफ्ट किया है कि एक तो ये क्वांटिटी में कम है, अगर दोबारा बारिश भी होती है तो इनको मैं इजीली दोबारा मूव कर सकता हूँ। दूसरा ये कि ये छोटे पिंजरे में थे, वहाँ पे काफ़ी तंग हो रहे थे, तो यहाँ पे भी इसी वजह से मैंने रखा है कि थोड़ी देर ये रिलैक्स रहे यहाँ पे। और माशाल्लाह माशाल्लाह भाई तीनों हेल्दी एंड एक्टिव है माशाल्लाह। बाकी इस पिंजरे में काफ़ी गंदगी हो गई थी, इसकी अभी सफाई करवा रहा हूँ मैं। और दूसरा, मैंने अब लोमन ब्राउन्स का प्लान ये किया है कि लोमन ब्राउन्स को भी फिलहाल मैं यहीं पर ही रखूंगा, जब तक ये वेदर ऐसा रेनी वेदर चल रहा है इनको यहीं पर ही रखूंगा, क्योंकि अगर इनको भी मैंने मास्टर केज में शिफ्ट कर दिया और फिर पीछे से बारिश हो जाती है तो इनको शिफ्ट करना वापस जो है बड़ा मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुर्गे हैं ये। और मुर्गा भी ये बड़ा जो है वो फड़फड़ाता है, तंग करता है, हाथ में आसानी से नहीं आता। अभी मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर से सफाई करवाता हूँ दोबारा से, और इसमें जो है वो मैं चावल का छिलका ऐड करवाऊँगा। अच्छा भाई दोस्तों, काशिप की एंट्री हो गई और काशिप ने जो है वो शीटें जो है वो यहाँ पर पहुँचा दी हैं। काम अभी हमने शुरू करना है। काशिप है, खाना नहीं आ रहा। तो काशिप को मैं ढूंढ रहा था, काशिप जो है वो ऊपर है, ऊपर से आ रहा है भी नीचे। अच्छा काशिप को करना ही है कि ये जो लंबाई है ना, ये है 6 फीट की, और प्लाई हमने ऐसे लगानी है, ये है 8 फीट। तो हमने ऐसे काटना है कि 6 फीट से ना 6 इंच बाहर निकाल लो, वरना 6 इंच से हम ज़्यादा देंगे ना तो फिर वो लपक मार जाएगा। 6.5 फीट हो, तो 6.5 फीट यहाँ ले लो, 6.5 फीट हमने इसको यहाँ निकालना है। और तो कम पड़ेगा, 14 पीस डलेगा ना, 14 पीस डलेगा। क्योंकि फिर अगर हम इसको 8 फीट निकालेंगे ना तो बहुत ज़्यादा भार हो जाएगा, या अगर जाने दें इसको 8 फीट ही नहीं भी पड़ेगी, क्योंकि प्लाई काफी मोटी है ये, हमें सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लपक नहीं मारेगी। तो बस अब इसको शीटों के ऊपर चढ़वाना शुरू करते हैं। ऐसे ज़रा सपोर्ट मिल जाएगी इससे, ऐसे ही अगर 2-4 और आ जाते कितनी आ ना भी आया तो जरूरत नहीं है, देखेंगे बाद में। तो इन फ्यूचर पहले मैं फीटों के ऊपर चढ़ाना शुरू करते हैं। काशिप कह रहा है अकेला भी मैं चढ़ा दूंगा, देखते हैं भाई काशिप की कारीगरी देखते हैं। हाँ ये है स्टेप। चले भाई, पहली शीट आ रही है भाई, अंदर जाके ना इसको पूरा लेवल करो, यहाँ से बाहर निकालो। अब ये इतना जो पीस है ना ये बाहर आ रहे, मेरे ख्याल से सही है, ये इनफ है। हाँ सही, आने दो आने दो, और आने दो, बस ज़्यादा आ गया, क्योंकि सही है इनफ है, अच्छा ज़्यादा प्रोटेक्शन हो जाएगी। अच्छा अभी सीन ये है दोस्तों के पिलाइयाँ जो हमारे पास पूरी नहीं है, क्योंकि 4 पिलाइयाँ पे टोटल लगेंगे अभी हमारे पास, समझ लेंगे एक छोटी पिलाई है, बाकी ये 2 बड़ी पिलाई हैं। तो अभी ऊपर हमारे पास काफ़ी शीट्स भी पड़ी हुई हैं, सीमेंट वाली शीटें पड़ी हुई हैं, तो अभी उसके जाके हम फरमाइश ले रहे हैं। 4 शीटें हमें चाहिए होंगी, अगर शीटों का काम हो जाता है तो फिर हम शीटें इसमें लगा देंगे, हमारी लकड़ी की पिलाइयाँ बन जाएंगी और काशिप कह रहे हैं वो सेटिंग कर देगा इंशाल्लाह, क्योंकि काशिप के ऊपर फरमाइश लेने के लिए। असल में दोस्तों, अब चूँकि काम स्टार्ट हो गया है और अब लहसुन के पानी बनाने का टाइम है नहीं, तो अब मैं इनको सादा पानी ऐड कर रहा हूँ चूज़ों को। तो भाई आ जाओ पानी के लिए,
आ जाओ भाई छुपा दिया इन्होंने बिल्कुल। काफ़ी प्यासे थे भाई, इनको यहाँ पे ऐड करते थे। ये यहाँ पे आ जाओ आप लोग, बाकी आप लोग इधर आ जाओ। क्या करना है। तो ये पोजीशन है भी हमारी चूजों की, माशाल्लाह से पानी भी ऐड हो गया, सारे माशाल्लाह हेल्दी हैं, एक्टिव है। तो अभी छत का डिसाइड करते हैं भाई क्या करना है। और आज भी वेदर ऐसा है कि भाई धूप छाँव चल रही है, ये आप देख सकते हैं, बादल भी और थोड़ी थोड़ी सी धूप भी आ रही है। तो ये कंडीशन है काशिफ, क्या डिसाइड किया भाई? 6-8 की आ रही है, ऐसा रियायती साइज आया कि 3 मतलब एक एक फिट बाहर मिलेगा। अच्छा, मतलब तुम कह रहे हो वहाँ पे, यहाँ पे और इधर, कितनी शीट है? 3-4 बड़ी है, 3-4 छोटी है, मतलब सब मिला के जो है सही साइज आ रहा है। अच्छा भाई दोस्तों, प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया है रूफ के हवाले से, अभी सीमेंट की हम लोग छत नहीं डाल रहे। अच्छा भाई दोस्तों, इसमें जो छत हम प्लाई की लगा रहे हैं उसमें अब हमने दो शीटें मजीद ऐड करी हैं। अभी मैं दो शीटें जो है मार्केट से लेके आया हूँ, तो ये वही है क्वार्टर वाली प्लाई, क्वार्टर से थोड़ी सी कम है। जो पहले हम लेके आए थे जो यहाँ पे लगा रहे थे वही शीटें मजीद दो लेके आया हूँ, 1800 रुपये की पड़ी है हमें। तो अभी टोटल हमारे पास 4 शीटें हुई हैं, तो अब 4 में से 3.5 शीट में हमारा काम होगा। तो अभी काशिफ जो है उसको वहीं सेटिंग से रख रहा है। पीछे से पकड़ना? हाँ पकड़ा हूँ। हाँ अभी छोटी वाली जो है ना काशिफ, इसको हटा लेंगे हम। सही है, चलो जाने दो, हो गया। तो बस अभी ये 4 शीटें पूरी हो गई, माल हमारे पास पूरा हो गया छत का, यानी कि जो प्लाई है माशाल्लाह से पूरी हो गई है। एक्चुअली सीमेंट का जो है मेरा इरादा यूँ चेंज हो गया, क्योंकि मेरा ऊपर छत का जो है ना मेरा सेटअप बनाने का इरादा है इन फ्यूचर इंशाल्लाह बकरों का। तो उसके लिए भी मैं पक्का एक जो है वो 4 दीवारी करके ना, फिर उसके शीटें जो रखने का मेरा बेसिकली इरादा है। तो शीटों को मैंने वहाँ के लिए सेव किया हुआ है, तो इंशाल्लाह जब वो सेटअप बनेगा तो शीटें इंशाल्लाह वापस इस्तेमाल कर लेंगे। बस यहाँ पे 2 प्लाइयाँ कम पड़ी थी तो वो लाके हमने जो है वो यहाँ पे ऐड कर दिए, अब इंशाल्लाह हमारी ये रूफ कम्प्लीट हो जाएगी। अच्छा भाई लोमन ब्राउन्स को चेक कर लें और इनके अंडे भी चेक कर लें टोटल कितने आए। अच्छा भाई अंडे यहाँ पे आए हुए हैं, ओ भाई माशाल्लाह 3 अंडे तो यहीं पर ही आए हुए हैं, तो ये अच्छी बात है, सलामत है, टूटे हुए नहीं है। इधर नहीं आओ, अंडों में चोंच मार दे ना। ओ भाई माशाल्लाह 2 अंडे यहाँ पे भी है, एक अंडा तो सुबह मैंने उठा लिया था और इस पर हाथ नहीं जा रहा था, तो मैं अभी आ गया हूँ उठाने के लिए इसको। तो चले भाई ये 5 अंडे ये हो गए और एक सुबह आया था, तो माशाल्लाह भाई लोमन ब्राउन्स के 6 अंडे हो गए आज माशाल्लाह, 6 की 6 मुर्गियों ने 6 अंडे दे दिए। बाकी भाई लोमन ब्लैक का भी चेक कर लेता हूँ अंडा, कोई आया कि नहीं आया अभी तक, भाई आया कि नहीं आया। अच्छा ये दरवाज़ा फंस गया है बारिश के बाद, ये देखिए भाई इस जगह से दरवाज़ा फंस गया है, हाँ काफ़ी हार्ड हो गया। अंडा दिया भाई कोई? अभी तक अंडा नहीं आया, क्या हो गया, खैरियत? अभी तक अंडा नहीं आया आपकी तरफ से कोई? अच्छा भाई ये चावल का छिलका तो पता भी नहीं चला, बिखर गया इधर उधर। अच्छा पानी इनका है कि ख़त्म हो गया? हाँ है, थोड़ा सा पानी है, ऐड करना पड़ेगा मजीद, तो पानी भी इनके थोड़ी देर में ऐड करेंगे। और भाई क्या पोजीशन है आपकी? सही है, सब सेट है माशाल्लाह भाई, तीनों हेल्दी एंड एक्टिव है माशाल्लाह। उसका बाउल में निकाल लूँ, थोड़ी देर में पानी ऐड करेंगे। ये देखें ये दरवाज़ा फंस रहा है, मैं इसको चेक करूँगा कि हो सकता है ये गीला होने की वजह से थोड़ा सा वो हो गया हो टाइट, उसको बाद में चेक करेंगे। तो भाई इसको घिसना पड़ेगा यहाँ से, इस लेवल पे लाना पड़ेगा। बाकी अभी छत का काम स्टार्ट हो चुका है और एक जो है वो पीस हमने वहाँ पे लगा दिया है, और अब ये पूरी की पूरी प्लाई हम यहाँ पे लगा रहे हैं। अब सेटिंग से जो है काम कर रहे हैं ताकि एक के बाद एक शीट जो है वो सेटिंग से बैठे। सब काफ़ी अपडेट लें कहाँ तक पहुँचा। हाँ भाई काशिफ कहाँ पहुँचे? पहली वाली हो गई फिक्स। यार ये आगे पीछे हो रही है, ये ऊपर नीचे आ रही है ना। हाँ हाँ वहाँ वॉशर लेके आ रहा हूँ अभी मैं। अरे यार नहीं तो नहीं क्या दोबारा निकाल के लगाना, वॉशर के बाहर नहीं लगेगी। अच्छा मैं वॉशर जो है ना अभी लेके आ रहा हूँ। और दूसरा भाई ये भी लुक आया है, 2 अभी शीटें लग गई हैं और 2 भाई अभी लगना बाकी हैं। तो अभी ये कि यहाँ तक जितनी आएगी आगे वो छोड़ देंगे, बाकी फिर इसको अगर काटनी होगी तो काट देंगे शीट को। तो अब ये देखें इतना बड़ा हम छज्जा जो है वो बाहर निकाल लें, समझ लें। अब ये जो है वो इतनी बड़ी प्रोटेक्शन हमें मिल रही है आगे शेड की,
और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि फिर बाद में जो है वो ऐसे क्रॉस पे जो है वो एक सपोर्ट दे दूंगा ताकि ये ज़्यादा झुके ना। तो भाई दोस्तों ये अपडेट है अभी तक रूफ की, बाकी मुझे वॉशर लेके आने में वॉशर ले आता हूँ। अच्छा भाई दोस्तों लोमन ब्राउन्स और लोमन ब्लैक्स को पानी ऐड करना है और ये पानी के लिए बेचैन हो रहा है भाई, देखें ज़रा। एक मिनट आ जाओ ये लो पानी पी लो, पानी होता है उधर है ये ना पानी, ये रहा। काफ़ी देर हो गई थी इनको पानी ऐड किए हुए। अच्छा सादा पानी अभी ऐड किया है। माशाल्लाह सब शौक से पानी पी रही है माशाल्लाह। चलो भाई रास्ता तो थोड़ा गेट बंद करना है, इस तरफ आ जाओ, किधर आ जाओ सेंटर में पी लो। अच्छा अंडा देख लूँ, अभी तो खैर नहीं आया हुआ क्योंकि 6 अंडे ऑलरेडी आ चुके हैं। बाकी भाई दोस्तों अब लोमन ब्लैक्स को पानी ऐड करना है। अच्छा ये अंडा भी आया हुआ अंदर, एक अंदर शाबाश आ जाओ। चलो इनका भी पानी ऐड हो गया, एक अंडा आया भाई उठा लेते हैं भाई। तो माशाल्लाह से टोटल 7 अंडे हो गए लोमन ब्लैक अंडा मिला के। तो भाई ये पोजीशन है लोमन ब्लैक्स की और रामा रूस्टर की, माशाल्लाह तीनों हेल्दी एंड एक्टिव हैं। अच्छा भाई दोस्तों छत का काम तकरीबन 90% हो गया और ये देख सकते हैं भाई आप, ये छत चलती हुई आ रही है और आखिरी पैच जो है हम ये वाला लगा रहे हैं। आशिफ मज़ा आ रहा है ऊपर छत पे काम करने का? हट गई कहाँ से? नहीं अड़ गई। कौन सी लकड़ी मारी थी ना सपोर्ट के लिए? हाँ हाँ इसमें फंस रहा है, उठा रहा है इसको। बस दोस्तों अब ये आखिरी पैच लग रहा है, इसके बाद जो हमारी पूरी छत इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा अब मैंने ये सोचा है कि इस छत पे जो है ना मैं फाइबर का जो वो आता है ना फाइबर की कोटिंग वो इंशाल्लाह करवा दूंगा, तो उस पर उससे ये होगा कि ये जो गैप्स आ रहे हैं ना इसके इनकी ग्राउटिंग भी हो जाएगी, यानी कि ये फिल भी हो जाएंगी गैप्स और इस पर एक लेयर भी आ जाएगी, मतलब ये शीट भी प्रोटेक्ट हो जाएगी और फिर ये इंशाल्लाह वाटरप्रूफ भी हो जाएगी। तो बस ये कि थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो गया, मेहनत इससे ज़्यादा लगी है, बड़ी का माशाल्लाह आप ये देख सकते हैं भाई काफ़ी बड़ी जो है वो छत हो गई है अभी। और नीचे से भी अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, नीचे से ये पोजीशन है जितनी भी 8 फिट थी ना ये, तो ये पूरी मैंने 8 फिट की शीट यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा दी, तो ये काफ़ी 2 फिट का तकरीबन जो है वो ये शेड हमें यहाँ पर मिल गया और 1 फिट का जो शेड जो है मैंने यहाँ से निकाला। और बाकी यहाँ पे मैंने जो जॉइंट्स हैं इन पे पट्टियाँ लगा दी हैं ताकि जॉइंट्स पक्के हो जाएं। तो मैं अभी तक ये पोजीशन है, अभी ये कंप्लीट हो जाती है फिर इंशाल्लाह एक दफ़ा और आप लोगों को दिखा दूंगा। अभी मैं काशिफ के साथ साथ ही वर्किंग कर रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ क्विकली काम हो जाए। अच्छा भाई दोस्तों चूज़ों की एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों को ये बताऊँ कि इसमें मैंने कल चावलों का छिलका ऐड किया था, तो वो चावलों का छिलका जो है वो बिल्कुल जो है वो गीला हो चुका था इस टाइम तक, तो मैंने बिल्कुल समझ लिया एमरजेंसी बेसिस पर उसको साफ़ किया है क्योंकि काफ़ी हद तक जो है वो गीला हो गया था और ड्राइनेस तकरीबन यहाँ पे फ्लोर पे बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो अभी मैंने फिर लकड़ी का बुरादा इसमें ऐड किया है बना के, तो अब इसका रिजल्ट मैं देखूँगा क्योंकि लास्ट टाइम मैंने लकड़ी का बुरादा जब ऐड किया था उसका रिजल्ट बहुत अच्छा था, काफ़ी दिन वो चला था और चावल का छिलका जो है इसमें तकरीबन एक दिन ही चला है, इसके बाद वो सारे गीला हो गया था। तो अभी देखें। हाँ भाई क्या प्रोग्राम है आपका, बाहर घूमने फिरने का है क्या? आपका भी घूमने फिरने का प्रोग्राम है? ऐसे नहीं करो भी, अभी अंदर जाओ। शाबाश। ये देखें भाई माशाल्लाह ब्रामा का है ये, इधर देखो भाई क्या हाल है माशाल्लाह। चलो भाई आप नीचे जाओ, तो अब इसका कल रिज़ल्ट देखूंगा भाई क्या इसका रिज़ल्ट है। और इन्होंने जो है बड़े शौक से ये लकड़ी का बुरादा खाया भी है, काफ़ी देर तो खाते रहे ये। तो भाई ये पोजीशन है भाई चूज़ों की, मैंने कहा इंपॉर्टेंट अपडेट थी कंपैरिजन लकड़ी के बुरादे का और चावल के छिलके का, तो चावल का छिलका जो है वो एक ही दिन चला है, उसके बाद जो है वो बिल्कुल गीला हो गया था वो, क्योंकि उसमें एब्जॉर्प्शन मुझे लग रहा है कम है। तो अब ये लकड़ी के बुरादी के एब्जॉर्प्शन में देखूंगा कि कल क्या होती है। अच्छा भाई दोस्तों डे लाइट पर चेक करते हैं कि भाई हमारे मास्टर केज की रूफ जो है वो कैसी बनी है। तो ये आप देख सकते हैं भाई ये कंप्लीट हमारी रूफ हो चुकी है माशाल्लाह से, और थ्रू आउट जो है वो वहाँ पे स्लोप हमारा गिर रहा है उस तरफ जाके, काफ़ी जो है वो तेज़ स्लोप है। और यहाँ पर जो है वो मैंने तकरीबन ये जो छज्जा निकाला है बाहर तकरीबन 1 फिट का निकाला है, और ये तो मैंने पूरी प्लाई यहाँ पर लगा दी है 8 फिट की प्लाई, तो 6 फिट की मेरी ये जगह है और 2 फिट का फिर ये छज्जा निकल गया है, तो टोटल जो है वो तकरीबन 3.5 प्लाई इस पर लगी है। और माशाल्लाह जब काफ़ी अच्छी जो है वो बारिश का प्रोटेक्शन हो गई है, इनको जो है वो स्क्रूज़ की मदद से छत को जो है वो लकड़ियों पे जोड़ा, ये जो बीम समझ लें ये जो हमने लकड़ियों की बीम जो इस पर लगाई हुई है इनमें स्क्रूज़ की मदद से हमने थ्रू आउट इसको जोड़ा है। अच्छा वो सामने एक ओपनिंग सी रहती है, थोड़ा सा स्लोप जो है वो इस तरफ आ रहा था तो उसकी ओपनिंग है, तो वो इंशाल्लाह उसको प्लाई से हम बंद कर देंगे, तो स्लोप हमारा इस तरफ भी है और स्लोप हमारा ऐसे उस तरफ भी है पीछे, तो माशाल्लाह से डबल स्लोप मिल रहा है, तेज़ स्लोप मिल रहा है। अब मज़ीद इसकी प्रोटेक्शन के लिए मैंने सोचा है कि
यहाँ पे ऊपर जो है ना मैं फाइबर ग्लास की जो कोटिंग होती है ना वो इंशाल्लाह कर दूंगा, तो उससे ये जो होल्स वगैरह होंगे इसके बंद हो जाएंगे और जो प्लाई होगी उसको भी इंशाल्लाह प्रोटेक्शन मिल जाएगी। मैं ज़रा उसका रेट चेक करूँगी कि क्या फिजिबल है कि नहीं वो प्राइस में, अगर थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ रहा होगा तो फिर मैं तरपाल का ऑप्शन लेके आऊँगा, तो तरपाल को फिर जो है मैं यहाँ पे ऊपर प्लेस करूँगा तो फिर जो है वो तरपाल जो है थ्रू आउट जो है वो यहाँ पे बिछा देंगे। तो भाई दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह छत जो है हमारी रेडी हो चुकी है और अब ये जो यहाँ से जो पानी अंदर आ रहा था ना पिंजरों में इस साइड से, तो वो प्रोटेक्शन माशाल्लाह से हमें मिल चुकी है। तो फाइनली भाई काफ़ी हद तक हमने जो है वो बारिश की प्रोटेक्शन कर ली है और अब उस पर काम बाकी रह गया, वो ये रह गया है कि भाई यहाँ पे मुझे बॉर्डर लगाना है, प्लाई का बॉर्डर लगाना है और उसके दरवाजे रह गए, फिर इंशाल्लाह हमारा पिंजरा कंप्लीट है, सिर्फ कलर का काम रह जाएगा। चले भाई दोस्तों ये था आज का ब्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, इससे मजीद आप लोगों की कोई सजेशन है तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, बाकी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।